हेलो, ये क्वेश्चन हम इस तरह का एक पहले कर चुके बेटे। फिगर शोज टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विद फिक्स्ड प्लेट एंड कनेक्टेड टू टू बैटरीज। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज सेम फॉर टू कैपेसिटर सपोज डी ए। द प्लेट्स आर रेक्टेंगुलर विद विड्थ डी एंड लेंथ एल वन एंड एल टू। द लेफ्ट हाफ ऑफ डायलेक्ट्रिक हैज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वन एंड राइट हाफ हैज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के टू। Neglecting the any kind of friction, find the ratio of these voltages such that the system is in equilibrium. तो मैं थोड़ा जल्दी से आपको क्वेश्चन पढ़ के मैं समझा देता हूँ। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक ये और एक ये। ओके, इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सेपरेशन बिटवीन द प्लेट सेम है, वो डी है। और जो प्लेट्स हैं ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं और इनकी विड्थ है बी, बी विड्थ है और लेंथ एल वन एल टू है दोनों की। एक डायलेक्ट्रिक स्लैब अंदर इंसर्ट की हुई है जिसका लेफ्ट हाफ का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन है और राइट हाफ का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टू है। तो ये कह रहा है कि यदि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो वी वन और वी टू का रेशियो बताइए। तो इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब इसके ऊपर इधर कोई फोर्स लग रहा है और इधर भी जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट हो। तो मान लीजिए इसके ऊपर जो इधर फोर्स लग रहा है उसके कारण इसमें एक डीएक्स डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है। तो क्योंकि ये dx इस डायलेक्ट्रिक का dx लेंथ और अंदर गया कैपेसिटर के अंदर तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो बैटरी को और चार्ज देना पड़ेगा ताकि वोल्टेज कांस्टेंट रहे और वो चार्ज देने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क इसमें दो पार्ट में खर्च हो जाता है। वन इज यूज, वन पार्ट इज यूज टू चेंज द एनर्जी एंड रेस्ट पार्ट इज यूज टू डू वर्क। कल इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था। तो यहां पर जो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा इज डी यू चेंज इन एनर्जी, जो क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ा है चार्ज बढ़ेगा, बैटरी कनेक्टेड है तो एनर्जी में चेंज आएगा, प्लस वर्क डन, जो वर्क डन इस एफ द्वारा जो किया जा रहा है। डी डब्ल्यू जो है वो कितना है जो बैटरी वर्क करेगी, वो चार्ज, मान लो कितना चार्ज ट्रांसफर किया बैटरी ने, डी क्यू, वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू, और कितने वोल्टेज में किया है V1, तो वर्क डन हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस dQ इनटू V1। तो यहां पर जो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कितना चेंज आया, हाफ C। अब C कितना चेंज हुआ है, DC, इसका कैपेसिटेंस C था मान लो, उसमें कितना चेंज आया DC इनटू V1 स्क्वायर, हाफ C स्क्वायर होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे C कितना चेंज हुआ, DC, और वोल्टेज इतनी थी तो ये एनर्जी में चेंज आया। और dW कितना है हमारा, dW is F into dx। तो इस इक्वेशन में रखेंगे dQ into V1 is equal to dU plus dU कितना है, हाफ DC into V स्क्वायर प्लस एफ इंटू डी एक्स, हाँ वी वन, वी वन ठीक है, चलो चलो। और यहां पर हम डी क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, डी क्यू की जगह भाई डीसी इंटू वी वन, चार्ज क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है। तो ये डी क्यू चेंज इन चार्ज चेंज इन कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, और एक वोल्टेज पहले ही है तो हाफ डी सी वी वन स्क्वेयर प्लस एफ डी एक्स, सो इट बिकम्स वी वन स्क्वेयर डी सी, दिस इज वी वन स्क्वेयर डी सी बाई टू एफ इंटू डी एक्स, सो एफ इंटू डी एक्स इज वी वन स्क्वेयर, वी वन स्क्वेयर डी सी इज इक्वल टू वी वन स्क्वेयर डी सी बाई टू प्लस एफ डी एक्स, सो एफ डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड एफ इज इक्वल टू वी वन स्क्वेयर बाई टू इंटू डी सी बाई डी एक्स। अब हमको जरूरत है डी सी बाई डी एक्स की। अब डी सी, यहाँ पे सी क्या है, सी है इसका कैपेसिटेंस। अब ये खुद अपने आप में दो कैपेसिटर बना हुआ है, कौन कौन सा, एक तो ये पोर्शन जिसमें एयर है और एक ये पोर्शन जिसमें डायलेक्ट्रिक है, दो कैपेसिटेंस बन रहे हैं ना। तो चलो पहले इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं इस पोर्शन का। तो इस पोर्शन का कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका एप्साइलोन नॉट ए,
ए एरिया, तो मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये कितनी रहेगी एल वन माइनस एक्स, तो इसमें इस प्लेट का एरिया कितना होगा, लेंथ एक्स और ब्रेड्थ बी, तो एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी सेपरेशन है भाई, इस पोर्शन का कैपेसिटेंस है ना एप्सिलॉन नॉट एरिया, तो इस प्लेट का एरिया इतना पोर्शन का ब्रेड्थ बी और लेंथ एक्स, ये हो गया। और इस पोर्शन का कैपेसिटेंस कितना होगा K1 टाइम्स, K1 तो डायलेक्ट्रिक है, एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया कितना होगा ब्रेड्थ वही b और लेंथ L1 माइनस x अपॉन सेपरेशन तो वही d है। अब ये दो कैपेसिटर हो गए कि ये और एक ये दोनों आपस में पैरेलल में है ना, पैरेलल में है क्योंकि ये प्लेट इससे जुड़ी है, ये इसे एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे, तो नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, नेट कैपेसिटेंस तो यही आएगा, तो C इज इक्वल इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट B इनटू x बाय d प्लस K1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स B इनटू L1 माइनस x अपॉन d, और सोल्व कर सकते हैं इसे एप्सिलॉन नॉट बी एक्स बाय डी प्लस के वन, तो ये बेटा जैसे इनको ऐड किया हमने एप्सिलॉन नॉट बी एक्स बाय डी प्लस इस ब्रैकेट को हमने खोल लिया है के वन एप्सिलॉन नॉट बी एल वन बाय डी माइनस के वन एप्सिलॉन नॉट एक्स बाय डी, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया और एप्सिलॉन नॉट बी बाय d कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस k1 और ये एज इट इज बच गया। अब यहां से देखिए dc by dx ये निकाला था हमें, तो इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे एप्सिलॉन नॉट b 1 माइनस k1 by d एप्सिलॉन नॉट b into 1 माइनस k1 upon d और x का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये डिफरेंशिएशन जीरो क्योंकि पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो अब इसमें रखिए एफ में, सो एफ बिकम्स यदि हम एफ में रखते हैं तो वी वन स्क्वायर बाय टू डीसी बाय डीएक्स, तो डीसी बाय डीएक्स कितना आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी इनटू वन माइनस के वन, ये आ गया। तो वी वन कितना आ जाएगा यहां से V1 V1 square is equal to 2F 2F into D divided by epsilon naught B 1 minus K1, ठीक है ये आ गया। V1 किसके इक्वल आ जाएगा अंडर द रूट 2 एफ डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बी 1 माइनस के वन। अच्छा जैसे इसके लिए आया अब इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्स की वैल्यू जितनी इधर है उतनी उधर होगी, तो अब ऐसी सेम केस सिमेट्रिकली हम सेम केस उसके लिए भी करेंगे, इसके लिए भी जैसे इसको इधर मूव करेंगे सेम इसी तरह से, तो सिमिलरली यूजिंग सिमिट्री तो V2 हमारे पास 2FD सेम ही होगा और नीचे 2FD एप्सिलॉन नॉट B 1 माइनस K2, ओके बेटा। अब इनका रेशियो निकालना है हमें, इन्हीं का रेशियो पूछा था ना, तो V1 by V2 इनका रेशियो आप निकालेंगे V1 by V2 इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस K2 अपॉन वन माइनस के वन वी वन बाई वी टू, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन कर सकते हैं और अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।